फ्रेंड कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और हम अपने बारे में क्या बताएं, थोड़े से अच्छे थोड़े से बुरे भी हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है जो थोड़ा सा दुख भी हमें लग रहा है। तो हम कैसे आप लोगों को बताएं कि क्या है, सीधा दिखाते ही हैं। और हम तैयार हो रहे थे शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, और जैसे ही आवाज़ आया तो निकल के गए, तो फिर हम शॉर्ट वीडियो भी नहीं बना पाए, क्योंकि थोड़ा सा देख के दुख हुआ। और दुख तो हुआ, पर चलिए बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बच गए। और शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लंबा हम नहीं वीडियो बनाएंगे, बस छोटा सा बनाएंगे। और जो भी हुआ है मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोग बने रहे, जुड़े रहे, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है वो कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करें। और वही चलिए आगे दिखाते हैं क्या हुआ है। जिसके बारे में मैं बोली थी वो ये है, पहले देखिए ये जो है वो पेड़ एकाएक कब गिरा वो हम लोग को जानकारी नहीं हुआ, और हम लोग जान ही नहीं पाए कि कब गिरा। तो इसको पीछे से नहीं करेंगे, हम जान ही नहीं पाए कि कब गिरा। तो सोचे कि चलो गिर गया कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इसको कटवा दिए। और इसको कटवाते के साथ हम आए अपने खेतों में। आइए पास आए तो पूरा पेड़ देखे, इसमें मिट्टी लगा हुआ है, तो हमको पूरा डाउट हो गया कि ये पेड़ भी गिर जाएगा। और फिर हम इनको बोले कि इस पेड़ को जल्दी ही कटवा लेते हैं, तो ये बोले ठीक है, ये खेत खाली होता है क्योंकि गिराने के लिए जगह तो चाहिए हमें, तो हम इसको कटवाएंगे, इसको भी और इसको भी। और एक चीज़ और सीख मिला हम लोग को कि घर के आसपास पेड़ बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग को उतना आइडिया नहीं था और ये लगाए नहीं था। हालाँकि ये खुद से मतलब इसमें से जो कांगा ना वो पेड़ हो गया, तो हम लोग इसको हटाए नहीं, रहने दिए। लगा सकते हैं, लेकिन ये देख ले कि ये सब जब हो तो मतलब इसको रेगुलरली चेक करते रहे। हाँ। चलिए मैं आपको लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाए, पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात होती है। आज हो जाती, नुकसान तो हुआ लेकिन दुर्घटना नहीं हुई। चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं पास से, देख सकते हैं। और ये दुर्घटना और इसी पे मेरा पानी का टंकी है, देख सकते हैं पानी का टंकी बच गया, बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। और ये बाथरूम है, इसके नीचे अगर कोई रहता तो उसके देह पे गिर जाता, बस थोड़े ही देर पहले गिरा है, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे, क्योंकि पत्ता एकदम ताज़ा ताज़ा है। नीचे गेहूँ पसारे हुए हैं, गेहूँ सूखने के लिए डाले थे। और घर के पास लगाना चाहिए पेड़ पौधे, लेकिन ये पौधा नहीं लगाना चाहिए, मजबूत वाला लगाना चाहिए। ये सब खोखला होता है, ये सब टूट जाता है, देख सकते हैं कितना कमज़ोर है, जैसे मन तोड़ लेते हैं। इसलिए ये पेड़ तो बिल्कुल भी ना लगाए, और ये हम लोग लगा लिए, इसलिए नुकसान होते होते तो बच गया। अब इसको कटवाना है, कैसे कटवाएं। और एक पेड़ और है वो जो खड़ा है, वो भी कभी गिर सकता है, तो कैसे काटे ये हम लोग को आइडिया नहीं। अगर आप लोग के पास कुछ आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई चढ़ नहीं पाएगा, कमज़ोर इतना है कि ये गिर रहा खुद से तो कौन चढ़ेगा। और इसी वजह से अगर छत पर गिरेगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये भी हमारी टूट सकती है, रेलिंग भी टूट सकती है, क्योंकि बहुत पुराना घर है ये, आज का घर नहीं है, सदासी का घर है, इसलिए साइड टिक गया। हाँ, अब का घर रहता तो टूट जाता, और ये इंजीनियर साइड का घर बनाया होता है। और ये दीवार बहुत मोटी है, लाइक कितने का है, 10 से ज्यादा, 10 इंची का दीवार है, 10 इंची 10 इंची 10 20 इंची 20 इंची, ये 20 इंची है, 20 इंची ऊपर 10 है, ऊपर 10, इसलिए साइड टिक भी गया ये। हाँ। नहीं तो टूट चुका होता। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, और सुबह सुबह का वक्त है। अभी मैं झाड़ू लगाने के लिए दरवाजे पे जा रही हूँ बाहर, यानी कि दरवाजों पर झाड़ू लगाना है, और फिर नाश्ता भी बनाना है, क्योंकि बुलबुल का स्कूल खुल गया है तो वो भी करना है। तो चलिए अभी फटाफट झाड़ू लगा के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बाय बाय। सकते हैं बाहर झाड़ू लगा दिए अच्छे से, और वो वहाँ पे कचरे का ढेरी लगा है, जिसमें घूरा जिसे सलाई लगा देंगे तो कचरा जल जाएगा। और इधर पूरा क्लीन हो चुका है, देख सकते हैं अच्छे से साफ सुथरा।
तो देख सकते हैं फ्रेंड, और इधर रात में ही सारे बर्तन को क्लीन करके ऐसे डाल देती हूँ, और अभी फटाफट बनाऊंगी नाश्ता। जो नाश्ता बनाना है, स्कूल जाएगी बेटी मेरी, तो उसके लिए तो देख सकते हैं का फरमाइश था पनीर का पराठा। तो यहाँ पे पनीर रात में ही दूध को, थोड़ा सा दूध को फाड़ के यहाँ पे डाल दिए थे, ताकि सुबह के लिए थोड़ा उसके लिए पनीर का पराठा हो जाए, तो वो खुशी खुशी खा के चली जाएगी। और इधर टेबल भी पूरा क्लीन रात में ही कर दिए थे, जो ये टेबल है। यहाँ पे मैं पानी रखती हूँ पीने का, और प्रत्येक दिन रात में डाइनिंग टेबल भी पोछते हैं, तभी जाके साफ रहता है, नहीं तो इतना धूल उड़ता है, इतना धूल उड़ता है, मत पूछिए, बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है, और सारे गंदे इसी पे आके चिपक जाते हैं। तो कुछ ऐसा हाल है यहाँ का। बाय बाय, मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। वीडियो में ऐसे ही बने रहे, जुड़े रहे और देखते रहे। बाय बाय फ्रेंड। मैं बोली थी कि पराठा मतलब बनाएंगे, तो ये पराठा मैंने पनीर यहाँ पे भून के रख ली हूँ, और ये पराठा है, और इसमें दही लेगी जो फ्रिज में है, और सॉस के साथ खा लेती है बहुत अच्छे से। तो बस मुझे भी आसान लगता है बनाने में, और इसको तो खाने में जो भी है जैसा भी हो। और रोज रोज नहीं खाती हूँ, कभी कभी तो चल जाता पराठा, नहीं तो रोटी रोटी दूध या रोटी तक देते हैं सभी, या रोटी दूध। फिर मिलते हैं, बने रहिए। मेरा नाश्ता पनीर का पराठा, दो और दही। थोड़ा हैवी इसलिए लेते हैं क्योंकि लंच नहीं ले जाती हूँ मैं, है ना मम्मी, इसलिए थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट लेते हैं। सो मैं खाती हूँ और बताती हूँ आप लोगों को कैसा है। अच्छा ही बना होगा हमेशा।